छेम कक्षा यथावत प्रारब्ध This call is now being recorded. अद्य ओकारांत शब्दानां निरूपणं भवति इदानीं ओकारांतेषु गो शब्दः समायाति ध्वनि श्रूयते सम्यक्। गुरुजी ये ध्वनि इतना कम है, इतना कम है, सुनने में बहुत श्रम लग। मैं अपना ये वीडियो ऑफ करता हूँ, आप सभी अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए तो ध्वनि अच्छी आएगी। गो शब्द है, ओकारांत गो शब्द है, तो ओकारांत गो शब्द गम धातु से डो प्रत्यय करके गो शब्द की निष्पत्ति होती है। तो गो शब्द ओकारांत प्रातिपदिक संज्ञा करने पर, कृदंत मान करके प्रातिपदिक संज्ञा करने पर प्रथमा के एकवचन में सुव्यक्ति लाएगी लाएंगे तो गो अग्रे सु ऐसी स्थिति बनेगी। गो अग्रे सु ऐसी स्थिति में सूत्र आता है गोतो णिति। अब तो ध्वनि आ रही है स्पष्ट। अब तो स्पष्ट ध्वनि आ रही है ना सागर? हाँ जी गुरु जी, आ रही है जी। ठीक ठीक आ रही है गुरु जी। हाँ तो ध्वनि सुनिए। अब देखिए गो अग्रेसु ऐसी स्थिति में सूत्र आता है गोतोणिति। गोतोणित द्विपदात्मकम इदम सूत्रम गोतः इति प्रथमिक वचनांतम अव्ययपदम णित इति प्रथमिक वचनांतम द्वितीयम पदम आहत्य द्विपदात्मकम इदम सूत्रम। यहाँ पर इतोत सर्वनामस्थाने सूत्र से सर्वनामस्थाने पद की अनुवृत्ति होती है। इस तरह से इस सूत्र का अर्थ होता है गोतः में पंचम्यास तसिल है, इसलिए गो से गो शब्द लिया जाएगा। आनपूर्व व्यवच्छिन्न जो गो शब्द है, गो शब्दात परम सर्वनामस्थानम, यहाँ इतोत सर्वनामस्थाने से सर्वनामस्थानम, सर्वनामस्थाने सप्तम्यंत पद की अनुवृत्ति होती है, परंतु अणित इस प्रथमिक वचन को देख करके वह प्रथमिक वचन में पर विपरिणमित हो जाता है तो सर्वनामस्थाने की जगह पर सर्वनामस्थानम हो जाता है। तो अर्थ निकला कि गो शब्दात परम सर्वनामस्थानम ऋणित स्यात, अर्थात ऋणितवत स्यात, अर्थतः निकलाता है कि वह उसमें ऋणितवत भाव ऋणित कार्य कृतत्व उसमें आ जाता है, अर्थात ऋणित प्रत्यय पर रहते जो कार्य होगा वह कार्य सर्वनामस्थान के परे रहते भी होगा। अब यहां पर देख लीजिए ओकार से गो शब्द से, गो शब्द से विहित है यहां पर सुप्रत्यय, तो वह अणित होकर के अचोणित सूत्र से यहां पर वृद्धि हो जाएगी, गो में ओ को औ वृद्धि हो जाएगी तो गौ बन जाएगा गौ अग्रे सु। अब यहां पर सु को हम यहाँ रुक्त विसर्ग कर देंगे तो गौ, ये प्रथमा के वचन में गौ यह रूप बनेगा। अव्यक्ति लाएंगे तो वही अचोणित से फिर वृद्धि हो जाएगी, गोतोणित से ऋणित भाव होगा और अचोणित से वृद्धि हो जाएगी तो गौ औ, गौ औ ऐसी स्थिति में यहाँ प्रथम पुरुष वर्ण तो लगना नहीं है, एचो वायावा आएगा तो उससे औ को आवादेश हो जाएगा तो गावौ। जस में भी
ऋणित्वत भाव होकर के वृद्धि अचोणित से वृद्धि होकर के आवादेश होकर के गावह, जैसे ही आप अम विभक्ति लेके आएंगे गो अग्रे अम, ऐसी स्थिति बन जाएगी तो अम भी सर्वनाम स्थान में आता है, तो सर्वनाम स्थान पर रहते यहां पर ऋणित्वत भाव प्राप्त है, परंतु अग्रिम सूत्र आ जाएगा औतोम शशोह। औतोम शशोह सूत्र का पदच्छेद करेंगे जब, तो इसका तीन पद हो जाएंगे, आ इति एकम पदम, ओतः इति द्वितीयम पदम, अम शशोह इति तृतीयम पदम। इस तरह से ये तीन पद हो जाएंगे, आ ओत आ ओतः अम ससोह। आ यह प्रथमिक वचन विधान रूप है, प्रथमिक वचन है, और किसके स्थान पर होगा आ, तो कहा अम ससोह आ स्यात्। अम और सस को आकार होता है, वह अम और सस किससे परे हो, तो कहा ओतः, ओतः से परमे हो, माने ओकार से परमे हो, तो अर्थ निकल आया। अच्छा, यहाँ अची की अनुवृत्ति आती है, यहाँ अची की अनुवृत्ति लाने की जरूरत नहीं है, यद्यपि जब आप अम और सस का ग्रहण करते हो तो अम और सस स्वयं अपने आप में आजादी हैं, फिर यहाँ पर अची की अनुवृत्ति लाने की क्या जरूरत है, यह आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा। फिर भी यहाँ पर अची की अनुवृत्ति आती है, वह अची की अनुवृत्ति अपने आप में सार्थक है। अम ससोह अचि परे, अम और सस का अच पर में हो, तो यहां पर ओ को ओ के स्थान पर आ यह आदेश होता है, तो गो शब्द से अम विभक्ति लेके आ गए। यहां अम विभक्ति से क्या लिया जाएगा, तो इस पर ग्रंथकार ने लिख दिया है, ससा सहचर्यात सुवेव अम गृहते। यहाँ अम जो है सुप प्रत्याहार में आने वाला जो अम है, द्वितीय का एक वचन, वही अम लिया जाएगा। कोई यहाँ पर तिगंत वाला अम न पकड़ ले, तस्थस्थम तांतन तामह सूत्र के द्वारा मिप को अम आदेश होता है तिगंत में, तो यदि आप केवल यही कहोगे कि अम परे रहते ओ को आ आदेश होता है, तो अचिनवम और असुनवम प्रयोग नहीं बनेंगे। वहां क्या होता है, अचिनवम और असुनवम में श्नु प्रत्यय होता है और अम पर में है, तो वहां पर चिनोति चिनुतः चिन्वंती, वहां पर ओ को गुण होकर के और उसको आकारांतादेश होने लगे, आकार आदेश होने लगेगा, तो अचिनवम अशुनवम नहीं बनेगा। इसलिए यहाँ ससा साहचर्यात, हम ससो में सस का साहचरी से, सस के साहचरी से, चूंकि सस शुभ प्रत्याहार में आने वाला जो शस है द्वितीय का बहुवचन, वह चूंकि सुप है, तो उसके साथ सहचार्य माने उसके साथ में अम जो ग्रहण किया गया है वह भी सुप का ही लिया जाएगा। तिंगादेश जो मिप के स्थान पर होने वाला जो अम आदेश है वह अम पद से नहीं लिया जाएगा, ऐसा मूल में ग्रंथकार कहते हैं। और ससा साचर्यात सुवेव अम गृहते, यह पंक्ति स्पष्ट हो गई। नेह अचिनवम असुनवम, इसलिए अचिनवम और असुनवम में यहां पर आ आदेश इस सूत्र से नहीं होता। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि भैया सस प्रत्याहार भी तो तद्धित में होता है,
तद्धित में एक सस प्रत्यय होता है और इसके उदाहरण हैं एकैकशः वर्णशः। तो एकैकशः में जो सस प्रत्यय प्रत्यय है, सस प्रत्यय तो तद्धित में भी लिया जाता है, तो इसमें क्या प्रमाण है कि यह सस प्रत्यय है सुप प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला द्वितीय का बहुवचन सस ही लिया जाए, इसमें क्या प्रमाण है? तब कहते हैं कि यहां पर अचि पद की अनुवृत्ति आती है, नहीं तो अचि पद की अनुवृत्ति लाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कंठतः महर्षि ने कंठतः अम और सस को कह दिया तो अम और सस दोनों ही अजादी व्यक्ति तो है ही है। उस अजादी को कहने के लिए अच पद की अनुवृत्ति लाने की क्या जरूरत है? यहां पर संभव व्यभिचाराभ्याम शांत विशेषण मर्थवत अम विभक्ति भी आजादी है और सस विभक्ति भी आजादी है, इसके बावजूद इस सूत्र में अच की अनुवृत्ति लाने का कोई औचित्य नहीं है, यह आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा। परंतु कोई यहां पर सस प्रत्यय से तद्धित का सस ग्रहण न कर ले, इसलिए यहां पर अच की अनुवृत्ति लाई गई है, क्योंकि तद्धित का जो सस है उसके तालव्य शकार की संज्ञा नहीं होती, वह अजादी नहीं होता, क्योंकि लशक व तद्धिते तद्धित से भिन्न प्रत्यय के आदि में लकार शकार और कवर की संज्ञा होती है, अर्थात तद्धित वाला जो लकार है शकार है या कवर है उसकी संज्ञा तो होगी नहीं, तो संज्ञा नहीं होगी तो वह अच आजादी नहीं कहलाएगा, आजादी नहीं कहलाएगा तो यहां सस से सुप्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला द्वितीय का बहुवचन ही सस लिया जाएगा, इसमें क्या प्रमाण होगा? और जब आप अच की अनुवृत्ति ले आते हैं तो उससे सिद्ध हो जाता है कि यहां पर जो सस प्रत्यय है वह सुप प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला जो द्वितीय का बहुवचन सस है वही सस लिया जाएगा, और उसके साहचर्य से जो अम है वह भी द्वितीय का एकवचन अम ही लिया जाएगा, न कि तिङन्त में मिप के स्थान पर होने वाला अमादेश तस्थस्थ पामतान दंदाम सूत्र से। यह यहाँ का भाष्य आप पढ़ के उठा के देखेंगे तो आपको यह बात क्लियर हो जाएगी। मैं वो सारी महाभाष्य की बातें आपके सामने यहाँ मूल में सिद्धांत कौमुदी में पढ़ाते समय आपके सामने रख रहा हूं, यही इस कक्षा का वैशिष्ट्य है। तो ये सारी बातें तभी सम्मुख होती हैं जब गुरु परंपरा से व्यक्ति पढ़ता है, नहीं तो ये सारी बातें क्लियर नहीं होती हैं। और ये बातें हम चुटकियों में आपको यहाँ पर ऐसे ही कंठता बोल करके हिंदी भाषा में समझा रहे हैं, तो अब यहाँ बात यह क्लियर हो गई, यह साफ हो गई यह बात कि प्रथमा का एकवचन अम और नहीं द्वितीय का एकवचन अम और द्वितीय का बहुवचन सस विभक्ति पर में होंगी, तो ओकार से विहित यदि अम और सस सुप्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो अम और सस हैं उनके स्थान पर ओकारात विहितम अम शशो हो अचि, अम और सस का अच पर में होना चाहिए और ओकार से भीत होना चाहिए, तो ओकार के स्थान पर आकार आदेश होता है। इस तरह से हम इस सूत्र का अर्थ हिंदी में करते हैं। इसी बात को दीक्षित जी ने वृत्ति में लिखा आ ओत इति छेदः ओकारात अम ससो अचि परे आकार एकादेश स्यात् ससा साचर्यात् सुवेव अम गृहते
तेन अचिनवम अशुनवम इत्यादि प्रयोगाणाम सिद्धिर्भवति। अस्तु, अब यहाँ पर हम गो शब्द से अम विभक्ति लेके आए हैं, तो ओ को आ आदेश हो जाएगा अम का अच पर में होने के कारण, अम ससो अचि परे ओकार से स्थाने आकारादेश। तो गो में जो ओ है उसके स्थान पर आ आदेश हो जाएगा, तो गा अम अब बना दीजिए गाम, गावौ प्रथमा के द्विवचन की तरह द्वितीय के द्विवचन में भी गावौ यह प्रयोग बन जाएगा, और शश पर रहते भी आप हो जाएगा, तो गास और सकोर शुरू करके गाह। यहां प्रथम पुरुषवर्ण से पुरुषवर्ण दीर्घ मत करना, ऐसे ही गा अग्रे अम बन जाए तो आप अहिपूर्व से पूर्व मत करना, यहां सीधा आकाशवर्ण दीर्घ से दीर्घ होगा। यदि आप यहां पर प्रथम पुरुषवर्ण सूत्र लगाएंगे तो द्वितीय के बहुवचन में तस्मात् छसो नपुंसक सूत्र से शस के सकार को नकारादेश हो जाएगा, तो गा प्रयोग नहीं बनेगा, फिर तो गान गान प्रयोग बनेगा, नत् हो जाएगा, शस के सकार को नकार हो जाएगा तो गान प्रयोग बनने लगेगा। गुरुजी एचो या बायाबो मान लीजिए वो तो 6178 का सूत्र है, वो तो पहला सूत्र, वो क्यों नहीं पहले लगेगा? वो क्यों, वो मान लीजिए उसके बाद मान लीजिए ये तो पहले का सूत्र है, तो मैं मान लीजिए जब ओम है तो पहले तो मैं वो लगा सकता था। हाँ, तो वो नहीं लगा के मान लीजिए जो हो तो हम ससो हो तो मान लीजिए ठीक है, पहले क्यों नहीं लगेगा? हाँ हाँ लगाइए, आप लगाइए ना, उसको लगाएंगे वो आएगा, परंतु यहाँ पर औतम सखो सूत्र आकर के उसको बाद लेगा और ओ को आ कर देगा। सही बात है आपकी, वह सूत्र प्राप्त रहता है, निषेध करता है। हाँ, उसको बाद करके आरंभ सामर्थ्यात। हाँ, तो गुरु जी ये आपने तो हमको मुझको बोला नहीं। हाँ, बोला नहीं था क्योंकि अब आप सब प्राउड हैं, सब जानते हैं, अब इस बात को बार बार कौन बोले। ठीक। तो इसलिए अब हमने समझ लिया कि गाम गावु गाह, ऐसे ही गाह में भी प्रथम पुरुषवर्ण से पुरुषवर्ण दीर्घ नहीं होगा, अकस्वर्ण दीर्घ से दीर्घ हो जाएगा। अब आप चलिए आगे, जब टा विभक्ति लाएंगे, अब एचो यवायावह सूत्र तो प्राप्त ही है, एचो यवायावह सूत्र प्रथमा के द्विवचन में प्रथमा के बहुवचन में आप लगा चुके हैं, वही आजादी व्यक्ति पर रहते लगाते चले जाएंगे और गो शब्द का रूप बन के तैयार हो जाएगा। तो गवा, गो शब्द से टा विभक्ति लाएंगे तो गवा अब आदेश होकर के गवा गोभ्याम गोभी, गवे गोभ्याम गोभ्या, गोह में नसिंगसोच सूत्र आएगा और उससे जैसे गुरोह बनता है वैसे ही गोह, सको ऋतु विसर्ग करके गोह। हाँ पूछिए गुरुजी, अकारसवर्ण दीर्घ क्यों लगा रहे? ऐसा है, यदि प्रथम पुरुषवर्ण दीर्घ लगा देंगे तो फिर तस्मात् छसो नपुंसक सूत्र को लगाना पड़ेगा। द्वितीय के बहुवचन में जी गुरुजी औतम शस्त्र जब दोनों के स्थान में आ एक आदेश हो गया उसके पश्चात तो फिर। हाँ 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 बिल्कुल सही कह रही है दिव्या, वहां आकाशवर्ण दीर्घ कहाँ प्रवृत्त होता है, सही बात है, और न ही प्रथम पुरुषवर्ण दीर्घ सूत्र प्रवृत्त होगा, इसलिए जब एकादेश होता है तो फिर तस्मात् छसो, मेरे दृष्टि में ये था
कि तस्मात 609 सूत्र से जो सस्के सकार को नकार होता है वह पुरुषवर्ण दीर्घ के बाद ही प्रवृत्त होता है। इसलिए मेरे मन में यह संस्कार आ रहा था कि शायद यहाँ पर एकादेश जो है अकस्वर्ण दीर्घ वाला एकादेश है, परंतु यही सूत्र स्वयं एकादेश करता है, एका पूर्व प्रयोग सूत्र के अधिकार में आता है यह सूत्र। यह बात हमें और समझनी चाहिए कि यहाँ एका पूर्व प्रयोग सूत्र का अधिकार आ रहा है। ऋत उत सूत्र है, औतम ससो सूत्र है, ये सब सूत्र जो है उसी एका पूर्व प्रयोग के अधिकार में आ रहे हैं। इसलिए यहाँ अकस्वर्ण दीर्घ सूत्र की कोई गुंजाइश नहीं है। अतः प्रथम तस्मात 609 सूत्र से सस्के सकार को नकार की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ये बात मुझे बतानी, मैं भूल गया इसको, कि यह सूत्र एक पूर्व प्रयोग सूत्र के अधिकार में आता है। यह दिव्या जी ने बहुत अच्छी तरह से स्मरण दिलाया। कई बार बहुत सारी चीजें स्मरण नहीं होती हैं, तो आइए आगे चलते हैं। यहाँ नसिंग सोच सूत्र पंचमी का एक वचन और षष्ठी का एक वचन, यह भी एक पूर्व प्रयोग के अधिकार में आता है। अष्टाध्यायी का जब आप क्रम उठा करके देखेंगे तो उसमें ये सूत्र उसी सूत्र के उसमें आते हैं, अधिकार में आते हैं। तो ऐसे ही गोस में भी यहाँ पर भी पूर्व रूप एकादेश होता है नसिंगसोच्य सूत्र से, और सकोर ऋतुसर्ग होकर के गो हो गोभ्याम गोभ्य गो हो गवो गवो हो और गवाम, यहाँ नुट की तो स्थिति है नहीं, ऋष नद्यापो नुट से नुट होता है न, तो ह्रस्व है न नदी है न आप है, अतः सीधा अवादेश होकर के गवाम षष्ठी के बहुवचन में, और सप्तमी के एक वचन में गवी गो हो गवी गवो हो और गोशु प्रथमा के एक वचन में क्या बनेगा। तो प्रथमा के एक वचन में वो संबुद्धि के एक वचन में हे गो शब्द से शुभ व्यक्ति लाएंगे तो एंग हृष्वात संबुद्धे से लुक हो जाएगा, एंगंत से भीत है, एंग हृष्वात संबुद्धे इस सूत्र से। अब यहां पर देखो गोतोड़ित सूत्र भी प्राप्त है सर्वनामस्थान पर में होने के कारण, संबुद्धि के एक वचन में हे गो अग्रे सु बन जाता है, इस अवस्था में गोतोड़ित सूत्र भी प्राप्त है और एंग हृष्वात संबुद्धे भी प्राप्त है। तो गोतोड़ित सूत्र से यदि ऋणित उद्भाव कर देंगे तो फिर एंग हृष्वात संबुद्धे से संबुद्धि का लुक नहीं होगा, क्योंकि ऋणित उद्भाव होते ही अचर्णित लगेगा, वृद्धि हो जाएगी, तो औ हो जाएगा, हाँ हे गौ होने लगेगा, और प्रयोग बनाना है हे गो हो हे गो, तो यहाँ पर एंग हृष्वात संबुद्धे से सीधा आते ही संबुद्धि का लुक करेंगे हम। अब यहाँ पर आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम कर लेंगे, भक्षिते भी लसुनो न शांतो व्याधि, आपने माना कि एंग हृष्वात संबुद्धे सूत्र से आते ही संबुद्धि के वचन आते ही सुगा लुक कर लिया, हम प्रत्यय लक्षण कर देंगे। तो प्रत्यय लक्षण कर देंगे, प्रत्यय लक्षण ला करके सु ला करके फिर उसको अचोणित उद्भाव हो जाए और तो कहते हैं कि न लुमतांग से निषेध कर देगा, ठीक है, अतः प्रत्यय लक्षण आदि नहीं होंगे। अस्तु चलो हे गो हे गावु हे गाव हे गावु और हे गाव में तो उद्भाव होगा और अचोणित से वृद्धि भी होगी, क्योंकि अव्यक्ति और जस व्यक्ति को लुक करने वाला कोई है ही नहीं। अस्तु गो शब्द के रूप हमने समझ लिए। अब यहां पर वार्तिककार आते हैं, औतम ससो सूत्र के ऊपर वार्तिककार, औतम ससो सूत्र पर तो नहीं पर उस गोतोणित सूत्र पर वार्तिककार एक वार्तिक लिखते हैं कि ओतोणिदिति वाच्यम,
गोतो अणित के स्थान पर ओतो अणित ऐसा कहना चाहिए। भो सूत्रकार त्वया गोतो अणित इति सूत्र से स्थाने गोतः इत्यस्य स्थाने ओतः इति वक्तव्यम्, ओतो अणित इति वक्तव्यम्। ओकारात् विहितम् सर्वनाम स्थानम् अणिदुत् भवति इति वक्तव्यम्। इससे गो शब्द भी सिद्ध हो जाएगा, गौ भी बन जाएगा, और जितने भी ओकारांत शब्द होंगे उनमें भी जो कह शुद्ध प्रवृत्त हो जाएगा। यदि आप गोतोणित रखते हैं तो केवल गो शब्द में ही प्रवृत्त होगा, अन्य शब्दों में प्रवृत्त नहीं होगा। हमें अन्य शब्द भी बनाने हैं, जैसे कि आगे आ रहा है ओतोणित वक्तव्य वाच्यम विहित विशेषणम च, और ओकारांत विहितम सर्वनाम स्थान, इस तरह से विहित होना भी जरूरी है। उसमें विशेष एक विशेषण लगाना होगा कि विहित विशेषणम सर्वनाम स्थानम ऋद्वत भवति। ओकारात् विहितम सर्वनाम स्थानम ऋद्वत भवति इति वक्तव्यम्, न तो गो शब्दात् परम सर्वनाम स्थानम ऋद्वत भवति इति, ऐसा आचार्य कात्यायन का मत है। उससे क्या होगा तो कहा इससे ये फायदा होगा तेना सुद्यौ, द्यो शब्द है द्यो, ओकारांत द्यो शब्द है, सुद्यो आकाशवाची। अब इससे द्यो शब्द से जब अभिव्यक्ति लाएंगे तो यहां पर ऋद्वद्भाव होकर के वृद्धि हो जाएगी ये चुनित से, और सुको ऋतु सर्ग हो जाएगा तो सुद्यौ, द्यौ शांतिरंतरिक्ष गुम शांति ही। मंत्र में जो द्यौ बनता है वो इसी कात्यायन की वार्तिक से ही वैदिक शब्द का भी की भी सिद्धि हो जाएगी। इसलिए महर्षि कात्यायन का यह वार्तिक, इस गोतोणित सूत्र के ऊपर ये जो वार्तिक लिखी हुई है वो बहुत ही प्रामाणिक, बहुत ही अच्छे तरीके से, इसी को कहते हैं ऋषि की दृष्टि, यही आर्ष दृष्टि है। तो देव शब्द का रूप भी बन जाएगा यहाँ गुरुदेव दिव उसमें, इसमें नहीं दिव शब्द का भी देव बनता है ना। हाँ नहीं नहीं देव, हाँ देव देव शब्द है, दिव नहीं है। नहीं हलन पुलिंग में एक देव बनता है, दीव देव दिवो दिव ऐसे, वो अलग शब्द है। गुरु जी गो तो ओकारंत है ना, तो गो तो ओकारंत है, हम तो ओ से ही तो गो से तो ओकारंत समझेंगे। वो तो निदिति वाच्य में इतना बोलने का क्या जरूरी है, नहीं ऐसा तो दूसरा कुछ तो नहीं है ना, गो तो ओकारंत ही है। नहीं वो इसीलिए तो कह रहे हैं कि ओतोणित कह देंगे तो गो शब्द में भी प्रवृत्त हो जाएगा सूत्र। ठीक है जी, मान लीजिए वो लक्षणा से तो हम लोग तो मान लीजिए तो मानेंगे ना, वो तो ओकारंत तो ही है। जैसा मान लीजिए होरी शब्द से, जैसे मान लीजिए हम मुनि करते हैं, नर से मान लीजिए अजोग करता है, तो गो से जितना ही मान लीजिए ओकारंत है, हम लोग ओकारंत को पकड़ेंगे। हाँ आप लक्षणा करके करोगे ये काम। हाँ लक्षणा करके करेंगे, तो वो तो नीति थी बातचीत बोलने का क्या जरूरी है। नहीं हम लक्षणा नहीं मानते हैं। हाँ हम लक्षणा को नहीं मानते। लक्षणा को क्यों मानने से खती क्या है, मान लीजिए क्योंकि मान लीजिए देखिए ना, तो मैं गोतो नीत बात बोलने से एक तो बात जितना ही कम होगा तो लाभ ही तो होगा ना। नहीं लाभ कुछ नहीं है, हानि नहीं है। यदि गोतोणित कहेंगे तो केवल गो शब्द में ही सूत्र प्रवृत्त होगा। हाँ ठीक है, मान लीजिए जैसा हम लोग मान लीजिए नर शब्द रूप जानने के बाद मान लीजिए इतम अजादय, तो मान लीजिए होली के मान लीजिए इतम मान लीजिए मुनि मुनि रोबी इत्यादय, तो मान लीजिए गो जानने के बाद हम लोग मान लीजिए मान लेगा जितना ही ओकार पुंलिंग है वो गो का बक होगा। हाँ हाँ परंतु आप मान लीजिए ऐसा मान लीजिए ऐसा मान लीजिए भारतीय से ऐसा पता चलता है जो आप लोग मान सकते हैं
लेकिन शुद्ध नहीं है, वो छोड़ के कर्म तो जितना ही शब्द है वो गो से सिद्ध होता है। क्या बा मैं इसीलिए मैंने वो तो नीत बहुत बोला के शुद्ध को सिद्ध सिद्ध करने के लिए ऐसा। हाँ हाँ सुनिए सुनिए, ऐसा है, मैं आपका अभिप्राय समझ गया हूँ। आप ये कहना चाहते हैं कि गोतोणित सूत्र को ही रहने दो और गो शब्द की तरह ओकारांत जितने शब्द होंगे उनको हम इसी तरह से चला लेंगे। तो इस तरह से नहीं चला सकते हैं आप, क्योंकि गोतोणित सूत्र में गो शब्द को स्पष्ट कंठता कहा है, तो वह व्यवस्था केवल गो शब्द में ही लगेगी। गो से अतिरिक्त ओकारांत अन्य शब्दों में आप कैसे लगा लेंगे, नहीं लगा सकते हैं। लक्षणा इत्यादि जघन्य वृत्ति है, लक्षणा को हम मानते नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर कात्यायन की ये जो वार्तिक है वह स्पष्ट कह दिया उन्होंने कि गोता को हटा दीजिए, ओतः करिए यहाँ पर, माने ओकारांत जो भी शब्द होंगे, तो गो शब्द भी आ गया उसमें, गो शब्द भी बन जाएगा, गो शब्द से अतिरिक्त ओकारांत जो भी शब्द है उनको भी ले लेंगे और उनमें हम विहित विशेषण लगा देंगे। तो जब समास करके शुद्ध्यो शब्द बनाते हैं, शु और द्यु के साथ समास होकर के शुद्ध्यो बनाते हैं, ओकारांत शब्द बनाते हैं, तो ओकारांत होने के कारण या ओतोड़ित ऐसा सूत्र बनाएंगे तो यहाँ भी प्रवृत्त हो जाएगा, तो गो में भी प्रवृत्त होगा और गोत से अतिरिक्त जो ओकारांत शब्द है उनमें भी प्रवृत्त हो जाएगा। गुरुजी तो मान लीजिए गोतो नीत नहीं करके से मतलब ओतो नीति वाच्य में ऐसा ही सूत्र करेगा तो ओतो हम ससो ये सूत्र करने का भी जरूरी नहीं होगा। नहीं, ओतम ससो रचि में तो कोई दिक्कत नहीं है। ना देखिए बोलिए गोतो नीत बोलने का बात तो पानी का तो ये ऐसा ख्याल हुआ ना, ये मान लीजिए इसका ओतो उसका बाद ओम ससो का ओत होगा तो बस अब तो ओतो बोलते हैं तो वो पानी भी तो मान लिया जो गो का ओत मानना है। नहीं, ध्यान दीजिए औतोम ससो सूत्र अलग है, वह आकारांत अंतादेश करता है, वह निद्युत भाव नहीं करता, दोनों का अलग अलग काम है। हम और सस परे रहते ओकार और सस उन दोनों क्या दोनों के स्थान पर एकादेश करता है, आ आ एकादेश करता है, हाँ आ आ एकादेश करता है। आपकी आवाज नहीं आ रही है भट्टाचार्य जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरा कहना है मान लीजिए खाली तो गो का नहीं है तो ओकारंत का ही तो हम ससु का ओकारंत का ही तो लगेगा। हाँ पर कार्य अलग अलग है ना, वह ओतोड़ित तो भाव काम करता है, वो आकार एकादेश नहीं करता, औतोम ससो जो है वो आकार एकादेश करता है, तो दोनों सूत्र अलग अलग है, दोनों का कार्य अलग अलग है। वह माना कि ओत का अंततोगत्वा महर्षि पाणिनि ने ओत का समर्थन किया और यह समर्थन उनको गोतोणित में भी कर देना चाहिए, यही तो कात्यायन है। मेरा कहना है माने पाणिनि ने ओतो को समर्थन किया, मान लीजिए उसका मान लीजिए कंठ तो मान लीजिए वातिकन ने उसको स्फुटित किया लेकिन पाणिनि ने बोल दिया। हाँ यथोत्तर मुनि नाम प्रामाण्यम, पूर्व पूर्व मुनि का उत्तर उत्तर मुनि में तात्पर्य है, उसमें क्या दिक्कत क्या है। कात्यायन ने कहा तो उसको पाणिनि का अभिप्राय ही माना गया, कात्यायन ने पाणिनि के अभिप्राय को ही कहा है, बिल्कुल ठीक ठीक है। ओके तो शुद्ध्यो शब्द के रूप चलाएंगे तो शुद्ध्यौ शुद्ध्यावौ शुद्ध्यावः, अब शुद्ध्याम बनेगा, अम विभक्ति पर रहते आकारांतादेश हो जाएगा, शुद्ध्याम ओकारांतात् विहितम् सर्वनामस्थानम् इति व्याख्यानात्। शुद्ध्याम शुद्ध्यावं शुद्ध्याः शुद्ध्यावा शुद्ध्योभ्याम शुद्ध्योभिः शुद्ध्यावे शुद्ध्योभ्याम शुद्ध्योभ्यः शुद्ध्योः शुद्ध्योभ्याम शुद्ध्योभिः शुद्ध्योः शुद्ध्योः
और शुद्यवाम शुद्यवी शुद्यवो शुद्योषु 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 हे शुद्यो हे शुद्याव हे शुद्याव इस तरह से शुद्यो ओकारांत शब्द के रूप चलेंगे। अब यहाँ पर ग्रंथकार ने पंक्ति लिखी कि ओकारांतात विहितम सर्वनाम स्थानम इति व्याख्यानात न इह हे भानो हे भानव। वो ये कह रहे हैं कि ओतोणित ओतोणित ये जो वार्तिक बनाई गई या इस वार्तिक सूत्र ओतोणित कैसा सूत्र बनाइए और वहां भीत विशेषण मानिए। भीत विशेषण से भीत विशेषण क्यों माने? आवाज रुक रही है गुरुदेव। हाँ, आवाज रुक रही है ना, ये नेटवर्क का नेटवर्क की बड़ी समस्या है इसलिए आवाज कभी कभी रुक जाती है। आप अपना जी जी, अब बोले कर दीजिए शायद। हाँ हाँ सुनिए सुनिए। तो यहाँ ये बात कही गोतोड़ित में भीत विशेषण के लिए कात्यायन ने क्यों कहा, ओतोड़िदिति वाच्यम इतना ही कह देना चाहिए था, वहां भीत विशेषण लगाने की क्या जरूरत है। तो विहित विशेषण नहीं लगाएंगे तो हे भानो हे गुरु यहाँ पर भी ऋणिद्वत भाव होने लगेगा, क्योंकि आप विहित विशेषण तो लगा नहीं रहे हो। तो अब वहां ह्रस्व से गुणा करके ओकारांत बन जाता है और संबुद्धि पर में है तो ओतोड़ित सूत्र यहां भी आकर के ऋणिद्वत भाव कर देगा, अतः विहित विशेषण भी लगाना जरूरी है। हे भानो और हे गुरु में जो संबुद्धि एक वचन है वह ओकार से विहित नहीं है, वह उकारांत से विहित है, अतः हे भानो और हे गुरु में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ही ओकारांत एक और शब्द दीक्षित जी लिख रहे हैं ग्रंथकार कि उह शंभु स्मृतो येन सह स्मृतो ओकारांत शब्द बना लिया स्मृतो। अब इस स्मृतो ओकारांत शब्द से रूप चलाएंगे तो यहां पर भी बिल्कुल शुद्धियों की तरह रूप चलेंगे, स्मृतौ स्मृतावौ स्मृतावह स्मृताम स्मृतावौ स्मृताः स्मृतावा स्मृता स्मृतोभ्याम स्मृतो भी स्मृतवे स्मृतोभ्याम स्मृतोभ्यः स्मृतोः स्मृतो स्मृतो स्मृतोभ्याम स्मृतोभ्यः स्मृतोः स्मृतवोः और स्मृता स्मृता स्मृताम स्मृता स्मृतावाम और स्मृतावि स्मृता 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 स्मृतवि स्मृतवो स्मृतोसु ऐसा रूप चलेंगे। ऐसे ही ये सारे रूप इन्होंने बना दिए हैं इत्यादि। यदि ओदंता इस तरह से ओकारांत शब्द पूरे हो गए और अब ऐकारांत शब्द आ रहा है रई। इस रई शब्द से प्रथमा का एक वचन सु व्यक्ति लाएंगे तो रई अग्रेशु बन जाएगा, तब सूत्र लगेगा रायो हली। रई शब्द से आकारो अंतादेश हली विभक्त, यहाँ पर अष्टन आ विभक्त सूत्र से आ की अनुवृत्ति आती है और विभक्त पद की अनुवृत्ति आती है, हली पद यहाँ पर है ही है। तो रई शब्दात रायह में पंचमी है, हली में सप्तमी है, तो हलि विभक्त में यस्मिन् विदिष्ट दादा बल ग्रहणे से हलादि विभक्त ऐसा अर्थ निकल आता है। तो हलादि विभक्ति पर में होगा तो ऐ को रई शब्द को ही आकार आत्त हो जाएगा, इसी सूत्र से आकार अंतादेश हो जाएगा। तो रई शब्द से सुव्यक्ति परे रहते आकार अंतादेश होकर के राह
प्रथमा के क्वेश्चन में राह यह रूप बनेगा, राह रायव, रायव में एचओ जब आया वैसे आय आदेश हो जाएगा, तो राह रायव रायह, रायम रायव रायह, राया रई राभ्याम, यहाँ राभ्याम माने हलादी व्यक्ति आ गई, तो यहाँ पर रायो हली से आकारांत आदेश हो जाएगा, तो राभ्याम राभि राये राभ्याम राभ्यः रायः राभ्याम राभ्यः रायः रायो रायाम राई रायोः रासु, इस तरह से रूप बनेंगे। यहाँ ये ध्यान रखना आप, हाँ यहाँ ङसिङ्गसोश्च सूत्र पंचमी के वचन में और षष्ठी के वचन में ङसिङ्गसोश्च सूत्र कैसे लगेगा, क्योंकि वहां एङः पद की उल्वृत्ति जाती है, तो एङ में रई तो आता नहीं है या आई नहीं आता है, अतः ङसिङ्गसोश्च सूत्र प्रवृत्ति भी नहीं होता वहां, राया में सीधा एचओ जब आया हुआ ही लगता है, आयादेश ही हो जाएगा गुरुदेव, आयादेश से भी हो जाएगा, आयादेश ही हो जाता है। मैं आपको ये कह रहा था कि ए और आई की यही यही सूत्र प्रमाण है कि ए और आई की सवर्ण संज्ञा नहीं होती, यही यही सूत्र प्रमाण हो जाता है, यही रायह प्रयोग ही इसमें प्रमाण है कि ए और आई की सवर्ण संज्ञा नहीं होती। यदि तो रोदौतोश्च नमिथा सावर्ण्यम, अन्यथा एच जो है द्वादश प्रकार के न होकर के 24 प्रकार के होने लगे, होने लगते, ये बात संज्ञा प्रकरण में आ चुकी है, चतुर्विंशतिर ना आपादनीयम, एच चतुर्विंशति इति ना आपादनीयम, क्यों ये अयोचित सूत्र आरंभ सामर्थ्यात यदि तो रोदोतोश्च नमिथा सावर्ण्यो, आई और आई ए और आई की आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं होती है, यदि सवर्ण संज्ञा हो जाती है फिर एक दीर्घ क्या बन, क्या पूछ रहे हो जी गुरुजी, फिर ए और आई की सवर्ण संज्ञा नहीं होगी तो फिर एक दीर्घ क्या बनेगा, दीर्घ में बताएंगे, अभी तो पहले ये समझो कि यहाँ सवर्ण संज्ञा में सवर्ण संज्ञा नहीं होती, इसमें क्या प्रमाण है, तो ऐसे क्योंकि यहाँ ङसिङ्गसोश्च सूत्र में एङ प्रत्याहार का ग्रहण है और एङ प्रत्याहार के अंतर्गत आई नहीं आता है, अतः ङसिङ्गसोश्च सूत्र यहाँ नहीं लगता, अभी तो एचओ जब आया हुआ सूत्र से आया आदेश होकर के रायह रायह पंचमी के क्वेश्चन और षष्ठी के क्वेश्चन बन जाता है। अब देखिए आप, आपका ये प्रश्न है कि फिर एकादीर क्या होगा, यदि सवर्ण संज्ञा नहीं होती है तो उसका दीर क्या होगा, तो आपको ये मालूम है एचाम अभी द्वादश तेसाम ह्रस्वाभावात, ये ह्रस्व नहीं होता है, ये स्वयं अपने आप में दीर्घ है, फिर दीर्घ का दीर्घ क्या होगा, यह प्रश्न करना आपका कहां तक सार्थक है ये आप ही जानिए। जी गुरु जी जागे, हाँ 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 ये ह्रस्व होता ही नहीं है, आप दीर्घ का दीर्घ क्यों पूछ रहे हैं, ठीक है जाने दो, आप आपको उत्तर मिल चुका है, अब हम आगे एक शब्द और पढ़ लेते हैं, औकारांत शब्द, ग्लौ शब्द है, ग्लौ शब्द चंद्रमा वाची है, इस ग्लौ शब्द से सुव्यक्ति लाएंगे तो उसको विसर्ग होगा, या फिर आप एंग ह्रस्वा संबुद्धे से फिर संबुद्धि का एक उचन का सु का लुक नहीं होगा, आप ये कहो कि ऐसे हम ऐ का ग्रहण कर लेंगे
अनुदित सवर्ण से चार प्रत्यय के अनुसार वह अपने सवर्णी का बोध करा देगा, क्योंकि ए और ऐ की सवर्ण संज्ञा भले ही होती है पर सवर्ण ग्रहण नहीं होता है। सवर्ण संज्ञा तो इसलिए हो जाती है क्योंकि स्थान प्रयत्न एक मिल रहे हैं। सवर्ण होना एक अलग बात है, सवर्ण का ग्रहण होना, उसका भेद के रूप में उसको ले लेना, ये अलग बात है। तो यहां पर भी एंग्रस्वा संबुद्धे से ग्लव शब्द से जब ग्लव शब्द से जब सुव्यक्ति लाते हैं तो यहां पर भी एंग्रस्वा संबुद्धे से संबुद्धि के लुक की आपत्ति मत कर लेना, क्योंकि ए और आई की सवर्ण संज्ञा नहीं होती है और न ही वह सवर्ण का ग्रहण कराता है, अतः इनकी सवर्ण संज्ञा भी नहीं होती है, साफ बात है। अब क्या होगा तो ग्लौ शब्द से व्यक्ति लाएंगे, ऋतु सर्ग हो जाएगा। ग्लौ आजादियों में एचओ से आयादेश आवादेश हो जाएगा, तो ग्लौ ग्लाव ग्लाव ग्लावम, यहां पर भी आवादेश ही होना है। ग्लावम ग्लाव ग्लाव ग्लावा ग्लौभ्याम ग्लौभी ग्लावे ग्लौभ्याम ग्लौभ्य ग्लाव ग्लौभ्याम ग्लौभ्य ग्लाव ग्लावो ग्लावाम ग्लावी ग्लावो ग्लौसु। यहां आकर के आखिर स्वयं ग्रंथकार ने पंक्ति लिखी थी कि औतम ससोरिति न प्रवर्तते अयवचित सूत्रेण अदितो हो सावर्ण्या भाव ज्ञापनात्। संज्ञा प्रकरण में स्पष्ट ये पंक्ति लिखी हुई है कि एदितो रोदतोश्च नमिथा सावर्ण्यम अयवचित सूत्रारम सामर्थ्यात्। वही पंक्ति यहाँ साफ साफ प्रकारांतर से यहाँ पर लिख दी है ग्रंथकार ने कि अयौजदि सूत्रेण ओदौतो सावर्ण्या भाव ज्ञापनात्। जब सवर्ण संज्ञा ही नहीं होगी तो सवर्ण का ग्रहण कहां से होगा, इसलिए यह आपके औकारांत शब्द भी आपके सामने बनके तैयार हो गए और ये आपका अजंत पुल्लिंग शब्दों का प्रकरण भी पूर्ण यहां होता है। और अब आगे का पाठ अजंत स्त्रीलिंग का पाठ कल पढ़ाएंगे, आज ये कक्षा यहीं पर ही पूर्ण करते हैं। आज फिर नेटवर्क की समस्या रही, हम आपके सामने साक्षात उपस्थित नहीं रह पाए, वीडियो को ऑफ करना पड़ा ताकि आवाज स्पष्ट आ सके। आप सभी को कोई प्रश्न है तो आप अपना प्रश्न रख सकते हैं, चर्चा करते हैं। हाँ गुरुदेव, जी जी मुनित्रियम से प्रारंभ किया था और यह पाठ मार्च तक आते आते अजंत पुल्लिंग को पूर्णता को प्राप्त। अब अजंत स्त्रीलिंग प्रारंभ होगा कल से और इसी तरह से हम लोग साधना में डटे रहेंगे। 9 से 10 बजे तक सब खा पी करके आराम से बैठते हैं, थोड़ा सा इसी बहाने से शास्त्र की चर्चा हो जाती है। जी जी इसमें आई और औ की श्रवण संज्ञा
क्यों नहीं होती, इसके ऊपर बहुत बड़ा शास्त्रार्थ है। अच्छा। और यह शास्त्रार्थ यही महाभाष्य यही का भाष्य उठा करके देखेंगे तो बहुत सारी चर्चा है इस पर। एक पक्ष आता है कहता है कि सवर्ण संज्ञा कर लेंगे, एक पक्ष कहता है कि नहीं सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। यह जो तर्क दिया कि अयोचित सूत्रारंभ सामर्थ्यात, तो कहा कि अयोचित सूत्रारंभ सामर्थ्यात ये आप क्यों कहते हो? अयोच सूत्र का सामर्थ्य सवर्ण संज्ञा के अभाव के लिए नहीं है, अयोच सूत्र को आरंभ ऐच प्रत्याहार को बनाने के लिए है। यदि अयोच सूत्र नहीं होगा तो ऐच प्रत्याहार नहीं बनेगा, और प्रत्याहार नहीं बनेगा तो क्या दिखेगी? तो वैयाकरण शब्द ही नहीं बनेगा, वैयासकी ही, वैयाकरण ये जो शब्द हैं, द्विवाभ्याम पदांताभ्याम पूर्वाभ्याम ऐच, इसलिए बनाया गया है। तो फिर कैसे आपने कह दिया कि अयोचित सूत्रारंभ सामर्थ्यात नात्र श्रवण संज्ञा, इस तरह से प्रश्न उठा करके बहुत अच्छा शास्त्रार्थ इसको चलता है। कभी प्रसंग मिलेगा तो फिर चर्चा करेंगे। आज तो ये कक्षा यही पूर्ण करते हैं। वहां फिर ये कहते हैं कि एंग पर रूपम अदेंग गुण, जहां जहां एंग प्रत्याहार है वहीं पर हम ऐच प्रत्याहार बना लेंगे, एच एंग पर रूपम की जगह पर एच पर रूपम कर लेंगे, और ए से ऐ का ज्ञान कर लेंगे और ओ से औ का ज्ञान कर लेंगे, अलग से अयोच सूत्र बनाने की क्या जरूरत है? इस तरह से बहुत सारी चर्चाएं वहां पर हैं। क्योंकि अब यहाँ हम थक चुके हैं, अब पर आपको थोड़ा सा जिज्ञासु बना दिया है कि कभी आप कहेंगे तो इसको चर्चा कर लेंगे। जी जी, कभी छेड़ेंगे हम लोग जब खाली रहेंगे तो इसको चर्चा कर लेंगे। जी ठीक है, आप सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि। ठीक है गुरुदेव, सादर प्रणाम। शुभ रात्रि गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। स्वस्ति, मंगलम भूयात्, स्वस्ति सर्वेभ्यः। रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। अभी हम इनको जो होस्ट कर रहे हैं उनको बोलते हैं रिकॉर्डिंग। गुरुजी रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा, अजंत पुलिंग प्रकरण बल के रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। ऐसा एक हेडिंग बनाइए दीजिए,